जय हिंद दोस्तों, आज का विषय है क्या SRA में एनेक्सल 2 में नाम ना होने पर क्या हमें घर मिलेगा। तो ये समझ लीजिए, आपको घर नहीं मिलेगा। देखिए होता क्या है, जब तक आपके यहाँ सर्वे होता है, आपके स्ट्रक्चर का सर्वे होता है, आपके स्ट्रक्चर पे ID गिरती है, उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होने के बाद में बायोमेट्रिक रिपोर्ट बनता है, उसके बाद में ड्राफ्ट एनेक्चर प्रिपेयर होता है, ड्राफ्ट एनेक्चर प्रिपेयर होने के बाद में आपके एरिया में नोटिस लगती है कि 30 दिन के अंदर में अगर आपका कोई त्रुटि है ड्राफ्ट एनेक्चर के अंदर, यदि आपका नाम नहीं है या तो कोई नाम का मिस्टेक है या तो कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दर्शाए गए हैं, तो उसका आप सक्षम प्राधिकारी को ऑब्जेक्शन देकर 30 दिन के अंदर में सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिस ना तो हमें देखने को मिलती है, ना तो ड्राफ्ट एनेक्चर देखने को मिलता है, और ना तो ये मालूम पड़ पाता है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नहीं मालूम पड़ता है कि एनेक्सल 2 में हमारा नाम है या नहीं। बहुत ज़रूरी बात है, जैसे ही आपके यहाँ SRA आता है, आपके यहाँ डेवलपर आता है, आपका प्रोजेक्ट SRA के अंदर जाता है, आपका सर्वे होता है, तो आपके घर पे सर्वे ID गिरनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होना चाहिए, और उसके बाद में आपका एनेक्सल में नाम आना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें कि आपका एनेक्सल में नाम आ गया है और आपकी पात्रता निश्चित कर दी गई है। यदि आप नहीं चेक करते तो आप घर पाने के अधिकारी नहीं बनते SRA के अंदर, क्योंकि आपने बिना देखे बिना समझे अपने स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर दिया, ये भी नहीं देखा कि आपका स्ट्रक्चर का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, उसका बायोमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, उसका एनेक्सल 2 में नाम आया कि नहीं आया। ये आपकी ज़िम्मेदारी है चेक करना आपका घर डेमोलिशन करने से पहले कि आपका एनेक्सल 2 में नाम है या नहीं है, और आपकी पात्रता हुई है या नहीं हुई है। लेकिन लोग करते नहीं हैं, वो सिर्फ डेवलपर द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट और भाड़े का चेक देने पर घर की चाबी डेवलपर को हैंडओवर कर देते या तो सोसाइटी को हैंडओवर कर देते, लेकिन ये क्लियर पद्धति नहीं है। क्योंकि जब आपके स्ट्रक्चर का सर्वे ही नहीं हुआ, आपके स्ट्रक्चर का टेबल सर्वे नहीं हुआ, आपके स्ट्रक्चर की पात्रता नहीं हुई, आपका एनेक्सल में नाम आया कि नहीं आया आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप एग्रीमेंट करके भाड़े का चेक लेके, 11 महीने के भाड़े का चेक लेके डेवलपर को या सोसाइटी को अपना स्ट्रक्चर हैंडओवर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका एनेक्सल 2 में यदि नाम नहीं आया तो आपको प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में घर नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आपका एनेक्सल में नाम नहीं होगा तो आप घर के अधिकारी नहीं बनते हैं, और आपका कोई अधिकार नहीं है कि SRA में आपको घर मिले। जो आपको 11 महीना या 2 साल या 5 साल जो डेवलपर ने भाड़ा दिया है, उसी भाड़े में आप सर्वाइव करें। क्योंकि ये गलती आपके द्वारा की जा रही है। देखिए, समय समय पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब आपके यहाँ SRA आए तो आप कितना सजग रहें, क्या क्या कार्रवाई करनी है उसको ध्यानपूर्वक करें, और उसको बिना, देखिए, किसी के बोलने पे मत जाइए कि आप पात्र हो। आप अपने एनेक्सल की कॉपी लीजिए, अपने पास रखिए, उसमें चेक करिए आपकी पात्रता निश्चित हुई है कि नहीं हुई है, और उसको बहुत सोच उसको संभाल के रखिएगा। क्योंकि वही एनेक्सल आपको भाड़ा भी दिलाएगा, वही एनेक्सल आपको घर भी दिलाएगा, और उसी एनेक्सल के बेस पे आप डेवलपर और सोसाइटी के साथ में लड़ भी सकते आपकी पात्रता होने पर।
तो देखिए, स्ट्रक्चर खाली करने से पहले ये जान लें कि आपका एनेक्चर टू में नाम आया है कि नहीं आया, और आपकी पात्रता हुई है कि नहीं हुई। अगर एनेक्चर टू में आपका नाम नहीं आया है और आप घर सरेंडर कर देते हो, डेमोलिश कर देते हो, और फिर सोचते हो कि आपका एनेक्चर टू में नाम आएगा, तो आप समझ जाइए गलती, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं आएगा। यदि आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं है तो आप समझ जाइए जो घर डेमोलिशन हो गया है उसका सर्वे कैसे होगा और आपकी पात्रता कैसे होगी, ये आपको सोचना है। क्योंकि आप अपना घर खुद ब खुद उजाड़ रहे हैं यदि आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं आया है और आप भाड़ा और एग्रीमेंट करके वहाँ से निकल जाते। तो ज़रूरी है ऐसे ही केस में अगर आपका घर समाविष्ट भी है तब पर भी एग्रीमेंट भाड़ा करके आप ना निकले। क्योंकि यदि आपका घर समाविष्ट है तब पर भी आप ना निकले, क्योंकि समाविष्ट को निकालने के लिए आप अपील करोगे, अपील में आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पिताजी का स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर है, बस आपका क्या है, समाविष्ट इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास में कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप अपील करते हैं तो आपको पहले अपना सर्वे करा के, पंचनामा करा के अपने स्ट्रक्चर को समाविष्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन करके उसके बाद में पात्रता होगी। यदि समाविष्ट का भी स्ट्रक्चर अगर डेमोलिशन किया जाता है तो उस केस में आपकी पात्रता कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। यदि आपका एनेक्चर टू नहीं बना है तो आपको घर नहीं मिलेगा। यदि आपका स्ट्रक्चर समाविष्ट है और डेमोलिशन हो गया तब पर भी आपकी पात्रता नहीं होगी। और आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं है और आपका घर डेमोलिशन हो गया तो आपकी पात्रता कैसे होगी, आप ही डिसाइड करें। क्योंकि एक बार आपका झोपड़ा डेमोलिशन हो जाने के बाद में उसका सर्वे, उसका पंचनामा, उसका रिपोर्ट कैसे बनाया जाएगा, ये आप खुद ही विचार करें। तो हमारा कहना ये है कि जब यदि आपका घर सर्वे नहीं किया जाता, बायोमेट्रिक नहीं किया जाता, एनेक्चर टू में नहीं आता, पात्रता नहीं होती, तब तक उसको डेमोलिशन करने का परमिशन ना दे। और जो हम एग्रीमेंट और भाड़े पे डेवलपर और सोसाइटी को चावी दे देते हैं, समाविष्ट के केस में डेवलपर या सोसाइटी को चावी दे देते हैं, इस केस में आपकी पात्रता होनी बहुत नामुमकिन हो जाती है। आपके अंदर एक डर है कि यदि हम डेवलपर के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारी पात्रता नहीं होगी। ये आपकी गलत फहमी है। आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसा है, अगर आपको वो डर रहेगा तो आप सर्वे नहीं कराओगे, आप अपना एनेक्चर टू नहीं बनाओगे तो आपको घर कोई नहीं दे सकता। आपका सर्वे होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, एनेक्चर टू में नाम आना चाहिए। यदि आप समाविष्ट हो तो फिर भी आप डेमोलिशन नहीं होना चाहिए जब तक आपका अपील ना हो जाए, सर्वे ना हो जाए उसका। तो ज़रूरी है ये कंडीशंस पे आपको ध्यान रखना है और आपको सोचना है, क्योंकि घर आपका है। यदि आप बिना किसी रिकॉर्ड के अपने घर को उजाड़ने देते हैं तो फिर आपको डेवलपर या सोसाइटी कभी भी घर में बसने नहीं देंगी। क्योंकि जब आपका घर उजड़ गया, आपका एनेक्चर टू नहीं बना, तो कदाचित भी आपका एनेक्चर टू नहीं बनेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप ये समझ गए होंगे कि यदि एनेक्चर टू में आपका नाम नहीं आया है तब आपको एसआरए में कोई भी घर नहीं मिलेगा, और आपकी पात्रता भी सक्षम प्राधिकारी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरे केस में यदि समाविष्ट है और आपके घर का डेमोलिशन हो जाता है, आपका अपील होता है, तो आपका सर्वे करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो उस केस में आपकी पात्रता, समाविष्ट के केस में पात्रता निश्चित नहीं हो सकती। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने केस को ध्यान से देखें, आपके एनेक्चर पे ध्यान दें,
झोपड़ा डेमोलिशन होने से पहले एनेक्चर टू में आपका नाम हो और आपकी पात्रता हो, क्योंकि झोपड़ा जब रीसर्वे के लिए रिक्वायर्ड होगा किसी कारणवश, तो आपको झोपड़े का पंचनामा ये सब ज़रूरी है। इस केस में अगर आपको 33-38 का नोटिस आता है और आपका तब डेमोलिशन होता है तो आपका रिकॉर्ड बनता है, और यदि आप शांति से दे देते हैं, डेवलपर के डर के मारे दे देते हैं, सोसाइटी के डर के मारे दे देते हैं, तो समझ जाइए बाद में झेलना आपको ही है। इसका जिम्मेदार ना डेवलपर ना तो सोसाइटी रहेगी। तो इसीलिए जब भी आपके घर का डेमोलिशन हो, उससे पहले आप कोशिश करें कि आपकी पात्रता हो रखी हो और डेमोलिशन होने से पहले आपका एनेक्शल टू बना हो, और यदि समाविष्ट का केस है तो आपकी अपील एडिशनल के पास फाइल हो गई हो, रिमांड बैक होके उसका रिसर्वे करा के उसकी पात्रता जो भी डॉक्यूमेंट कमी बेसी है उस पर करवाई जाए। तो आज आप समझ गए होंगे कि यदि आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं है तो आपको डेमोलिशन नहीं कराना है, तब तक नहीं कराना जब तक आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं आ जाता, आपकी पात्रता नहीं हो जाती, तब तक आपको डेमोलिशन नहीं कराना है। और यदि आपने करवा दिया, भाई बंदी से करवा दिया, तो आप समझ जाइए कि SRA में आपको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि एनेक्चर टू में आपका नाम नहीं है तो प्रोजेक्ट में आपका घर नहीं था, तो आपको प्रोजेक्ट में आपका घर नहीं मिलेगा। ये गार्ड बांध लीजिए और ध्यान दीजिए, एनेक्चर टू में अपनी पात्रता करवाएं, तभी आपको हर एक सुविधा मिल पाएगी डेवलपर से। और ये चीज़ पहले दिन ही निश्चित करें कि आपको क्या करना है, डर के झोपड़ी तोड़वा देना है या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी पात्रता करा के फिर झोपड़ी पीसफुली हैंडओवर करना डेवलपर को। देखिए सोसाइटी डेवलपर, अगर आप पात्र हो तो पीसफुली हैंडओवर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपका एनेक्चर टू में नाम नहीं है, आप समाविष्ट हो, उस केस में पीसफुली हैंडओवर करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अपने नुकसान को बचाएं। आज आपने जान लिया कि SRA में अगर एनेक्चर टू नहीं बना होगा तो आपको घर नहीं मिलेगा। चलिए आज यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।